हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, एक्सरसाइज 3B से क्लास 10, RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है एंड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे फ्रेंड्स दो इक्वेशन गिवन है, इसे हमें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स नंबरिंग कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे फ्रेंड्स बेनिफिट क्या होगा कि जो 5 है 5 इंटू 3 करेंगे 15 बन जाएगा, अपॉन में है एक्स प्लस वाई। सेम इक्वेशन नंबर 2 में है, तो फ्रेंड्स इसके बाद से हम दोनों इक्वेशन को, जो नई इक्वेशन बनेगी वो, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन 2 को, जिससे एक्स प्लस वाई वाला टर्म जो है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सेम थिंग करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाइंग लिख सकते हैं इस तरह, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 3 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस में 2 इंटू 3 6 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3। अब हमने इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 क्या है, 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस हो जाएगा 7 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई और माइनस का 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर रिमेनिंग क्या गया, माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13 अपॉन में एक्स माइनस वाई आ गया इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 10 माइनस 13। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से। इसके बाद से फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस 13 से माइनस 13 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स माइनस वाई की जो है हमें वैल्यू मिल गई है 1। इसको हम यहाँ ब्रैकेट में डाल के रखेंगे। अब फ्रेंड्स ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें, 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन में एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है 1 आ गया इज इक्वल टू है 10। क्या मिलेगा हमें, 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7, ट्रांसपोज करके राइट में लेके आए हो गया माइनस 7। तो 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से आएगा 3, 3 अपॉन में कुछ नहीं है 1 ले लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5। तो ये एक और इक्वेशन मिल गई है फ्रेंड्स हमें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दो इक्वेशंस मिल गई हैं, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 एंड इसको इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल ऐड कर लेंगे एक बार, इक्वेशन 4 प्लस 5 कर लेंगे। तो 5 इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दोनों को ऐड करना है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या मिल गया है, x इज इक्वल टू 3, बहुत ही सिंपल है। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में या 5 में पुट करके इजीली हम y को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y इक्वेशन 5 में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू मिल चुका है 2। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं पुटिंग
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू, ये ठीक है। यहाँ पे हमने इक्वेशन टू में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन पुट किया था, इस प्रकार से सॉल्व किया था। और यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन फाइव, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट जो है हम रीज़न दे सकते हैं कहाँ पे हमने क्या किया है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट की है। तो फ्रेंड्स कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं वीडियो में, एक बार हम इसको फिर से समझ सकते हैं। दो इक्वेशन गिवन थी, इसमें हमने नंबरिंग कर ली है, इसके बाद हमने इक्वेशन वन में क्या किया, मल्टीप्लाई किया है थ्री से, जिससे हमको इक्वेशन थ्री मिल गई है। इसके बाद से इक्वेशन थ्री में से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस तरह स्टेप बाई स्टेप सॉल्व किया है, तो x माइनस वाई की हमें वैल्यू मिली है जो कि हो गई है वन। इसको हमने इक्वेशन नंबर फोर दिया है और x माइनस वाई की वैल्यू को हमने इक्वेशन टू में पुट किया है। और यहाँ पे भी इसे सॉल्व करते हुए हम पहुँच गए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव पर, इसको हमने इक्वेशन नंबर फाइव नाम दिया है। अब इक्वेशन फोर और फाइव को ऐड किया है जिससे हमको x की वैल्यू मिली है x इज इक्वल टू थ्री, और x की इस वैल्यू को हमने पुट किया है इक्वेशन फाइव में जिससे हमें y की वैल्यू मिली है y इज इक्वल टू टू। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, यहाँ पे हमने जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अगर ये मेथड आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज से जो हम सॉल्व करेंगे, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।